भारत में सबसे अधिक दिन तक चलने वाला फिल्म कौन सा है? सर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं। राइट आंसर प्लीज गिव 3 मार्क्स। चलिए सेकंड राउंड इज ओवर। एक फोटो के तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा कि मैं उसका पापा हूं लेकिन वो मेरा बेटा नहीं, वो कौन है? भतीजा। गलत, मेरी बेटी होगी, भतीजा तो चाचा। नाउ माय डियर गाइस एंड गर्ल्स, आज हम लोग ये जो साल का अंतिम दिन है, बहुत बहुत शुभकामना। और इस साल में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, खास करके 2K22 यानी 2022 में आप लोगों के साथ जितना प्यार मिला हमको नहीं लगता है किसी साल में मिलेगा। हालांकि आने वाले दिन में आप लोग से और भी प्यार का उम्मीद रखता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज साल का अंतिम दिन है, ऐसे ही कुछ बच्चे आए हैं तो आज साल के अंतिम दिन पर क्विज का ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम अपने 8 के टीम अल्फा टीम को यहाँ पर आएंगे। इस पे 9 क्लास, इस बेंच पे बैठ जाइए, सामने से आना चाहिए। ये 3 टीम बना दिए हैं, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली। बोलेंगे तुमको स्कोरिंग करने के लिए तब करना, अभी नहीं, रखे रहो। आ जाओ मेरे दोस्त, इस पे आ जाओ। चलिए इसके बाद हम अपने इस कड़ी में इस साल के टॉपर रखने वाले उम्मीद 10th क्लास को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे। जोरदार तालियों से आपको मुलाकात करवाते हैं और हम अपने दर्शकों को भी मुलाकात करवाना चाहते हैं। आप लोग का ये जो कार्यक्रम है GSP कल पूरा यूट्यूब आपकी आवाज चंदन पर जाएगा, थोड़ा बहुत स्टोरी में लगता है तो देखता ही देखता है लोग। आइए 8 क्लास के टीम से मिलवाते हैं, नाम जानना चाहेंगे, नाम और अपने पिताजी का नाम बताइएगा। यस राज। पिताजी का नाम बोलिए। श्री सुधीर कुमार चौधरी। और गाँव? मखदुमगंज। बहुत अच्छा, आप अपना नाम बताइए। रोशन राज। अच्छा, घर बताइए। जलालपुर। ये लोग टॉप भी किया है लोग 8 क्लास में, पापा जी का नाम? कमलकांत सिंह। चलिए बहुत अच्छा, आप बोलिए। श्रेयस कुमार जितेंद्र कुमार चौधरी, घर खलपुरा। आप बताइए बाबू। अनुराग कुमार, सुभाष कुमार और खलपुरा। चलिए बहुत अच्छा लगा, आइए अपने 10 क्लास के दर्शकों से मिलवाते हैं। आपका नाम? प्रियांशु चौरसिया। घर? डोरीगंज। सागर कुमार महाराजगंज। पिताजी का भी नाम बता। कृष्णा महतो। शाबाश, क्योंकि देखिए बाप का नाम जो बताना जरूरी है, पिताजी का ही सम्मान हम लोग को आगे करना है। मंजीत चंद्रवंशी, पिताजी का नाम सूर्यकांत प्रसाद। घर? जलालपुर। आप अपना? ऋषुराज सिंह, श्री कमलकांत सिंह, जलालपुर। घर? आप बाबू? माय नेम इज जयशंकर कुमार, जलालपुर। फादर्स नेम है छट्टीलाल पंडित। चलिए बहुत अच्छा लगा, हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए मेरे भाई। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरे पिताजी का नाम उपेंद्र सिंह, घर खलपुरा। अभी देखिए, अभी मेरा नाम सत्यप्रकाश कुशवाहा है, पिताजी का नाम उपेंद्र कुमार, श्री उपेंद्र कुमार, घर नौगढ़ी। आपका? मेरा नाम शिवम पांडे, मेरे पिताजी का नाम पंकज पांडे और मेरा घर खलपुरा। मेरा नाम आकाश कुमार सिंह, मेरे पापा का नाम सत्येंद्र कुमार सिंह, मेरा घर खलपुरा है। चलिए बहुत अच्छा लगा, और अब हम आज के आपको जज से मिलवाते हैं, खड़ा हो जाइए। ये निर्णय करेंगी इसी क्लास की जज साहिबा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने पापा जी का नाम घर बताइए। धर्मेंद्र कुमार सिंह। घर? विष्णुपुरा। चलिए कैसा लग रहा है हमारे संस्थान में पढ़ के? बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, आज आपको स्कोरिंग करना है, जज जोरदार ताली बजाइए जज साहिबा के नाम पर। टेक योर सीट। और ये सब हमारे ऑडियंस है, ऑडियंस कोई कहाँ कहाँ से, कोई लखनऊ, कोई लुधियाना नहीं, बल्कि कोई खलपुरा, कोई बिशनपुरा, कोई महाराजगंज और पूरा लखीसपुर, बदलपुरा, डोरीगंज से आया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है ऑडियंस की तरफ। कैमरामैन हमारे मुंटुन जी, एक बार आगे आ जाइएगा। ये हमारे आज के अपनी इसके तरह कैमरामैन, ये हमारे कैमरामैन मुंटुन जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर। 9 क्लास में आपका आज कितना स्कोर आया था? 22। चलिए ये बहुत अच्छा, पढ़ते अच्छा है, आगे के टेस्ट में बेस्ट करिएगा ऑफर के, ठीक है ना? कहाँ घर पड़ेगा आपका? बदलपुरा। पापा जी का नाम? बहादुर सिंह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों अब राउंड की शुरुआत होता है। फर्स्ट राउंड में ये लोग को देखिए, जो भी टीम, समझ लो बाबू, जो भी टीम पहले 30 मार्क्स पूरा कर लेगा वो जीत जाएगा, या फिर पांच राउंड अलग अलग टाइप का होगा, पांच राउंड में जो जितना स्कोर करे, ठीक है? पहले राउंड में हर टीम को आपको 2-2 मार्क्स देना है। इस टीम के लिए पहले ओरल क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है, नो निगेटिव मार्किंग है। जब ये लोग नहीं बताएंगे तब दर्शक से, कोई भी दर्शक बीच में नहीं बोलेगा, प्लीज 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 प्लीज। हाँ आपको खेलना है तो एक टीम बना करके आ सकते हैं। चलिए इन लोगों के लिए क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। आप हमको बता दीजिए पॉलीगोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुभुज। चलिए बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाइए, सही आंसर है, CBSE का स्टूडेंट है ये। हम लोग इस टीम, 3 टीम है तो इनका नाम है अल्फा और ब्रेवो टीम आप लोग का है, ठीक है? ब्रेवो टीम आप लोग बताइए हमको, बहुत ही आसान, हेक्सागोनल को क्या कहते हैं? हेक्सागोन को हिंदी में? हेक्सागोन को सठभुज। सही जवाब है, सही जवाब है। 3-3 मार्क्स दे दीजिए दोनों टीम को, अल्फा और ब्रेवो को। चलिए इन लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग को बताइए कि हम लोग ट्रेपीजियम को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग पढ़ा हुआ है, सिंपल है ना बाबू? आप लोग मत बोलिएगा। समलंब चतुर्भुज। सही है, चलिए सही है। तीनों फर्स्ट राउंड में तीनों टीम को 3-3 मार्क्स, जोरदार तालियां, प्लीज क्लैप क्लैप। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोइंग टू प्लीज
प्लीज लिसन टू मी, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस राउंड। इसी राउंड में आते हैं, आप लोग को पूछा जा रहा है, आप हमको ये बता दिए कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 सही जवाब है। आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 चलिए बहुत अच्छा बात है। पानीपत का पहला लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का 1526। चलिए तीनों टीम का सही जवाब है, जोरदार तालियां। चलिए तीन तीन। हाल ही में छपरा के नव निर्माण के छपरा की नई मेयर कौन बनी है? राखी। इनका सही जवाब है, बहुत अच्छा। इन लोगों को बताना है, आप लोगों को बताना है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप ये बता दीजिए हम लोगों को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हाल ही में इसे आप लोग से करेंटली करेंट अफेयर से ही सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं कि आप ये बता दीजिए कि हाल ही में छपरा के डिप्टी मेयर कौन बना है? थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन है, पास राउंड है, कोई बताएगा दर्शक? रागिनी देवी। चलिए बच्चा ने बताया, कोई बात नहीं, इनका तीन मार्क्स काटिए, तीन मार्क्स, कोई बात नहीं, आगे आएगा मौका। चलिए ये पहला राउंड खत्म हो गया, पांच राउंड चलेगा। एक राउंड की समाप्ति के बाद से हम स्कोर जानना चाहेंगे जज साहिबा से। तो मैंने श्रुति कुमारी से कितना कितना स्कोर हुआ है? अल्फा का स्कोर 9 और ये ब्रेबो का 6 और गामा का 9 जोर के रख दीजिए वहां पे 9। पहले राउंड की समाप्ति के बाद प्लीज क्लैप योर हैंड। टीम अगर बताता है तो 3 नंबर, नहीं बताया तो अगले टीम को 2 नंबर मिलेगा पास क्वेश्चन पे, और जिसका क्वेश्चन होगा 3 नंबर और फिर आगे की ओर बढ़ेगा। कोई नहीं बताएगा, एक बार इधर से चलेंगे, एक बार इधर से। चलिए इन लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो 3 बार चलेगा, एक बार इधर से भी चलेगा क्योंकि इधर से पास होता है। चलिए इन लोगों के लिए क्वेश्चन है, पास राउंड कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक है। सही जवाब है, राइट आंसर, प्लीज गिव 3 मार्क्स। बहुत ही शानदार जवाब, और ये बनेंगे करोड़पति नहीं लेकिन एक अच्छे इंसान बनेंगे। चले राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द ब्रेवो टीम, पास राउंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बताना है। बताइए भारतीय क्रिकेट में किसको लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं? सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर, प्लीज क्लैप। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस टीम, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है। चलिए हाल ही में किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता है? इंग्लैंड। राइट आंसर, जोर लगाइए। इस बार पांच राउंड इधर से ही चलेगा, इस बार बहुत अच्छा स्कोरिंग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे आते हैं, कोई आपसे 10-9 का सिलेबस नहीं पूछा जा रहा क्योंकि अलग अलग क्लासेज है, इसलिए केवल जनरल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस टीम, सुनते रहिए मेरे दोस्त, जिसको हल्ला करना है घर जा सकता है, नहीं तो देखिए कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है, आप बताइए भारत का सबसे पहला फिल्म कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र। राइट आंसर, चलिए और आते हैं यहाँ से इस टीम के लिए, आपके लिए भारत का सबसे पहला बोलता हुआ फिल्म। राइट आंसर, प्लीज गिव 3 मार्क्स। भारत में सबसे अधिक दिन तक चलने वाला फिल्म कौन सा है? सर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं। राइट आंसर, प्लीज गिव 3 मार्क्स। चलिए सेकंड राउंड इज ओवर, सेकंड राउंड के बाद से स्कोर बताइएगा, सेकंड राउंड के बाद से जोड़िए पहले फटाफट। 1 राउंड एंड 2 राउंड ओवर, बस 5 राउंड कराएंगे, जीतना हो आप लोगों का। अभी तक बस 3 मार्क्स से आप लोग पीछे चले हैं। स्कोर जानना चाहेंगे, अल्फा 15, ब्रेबो 12 और गामा 15। चलिए अल्फा, ब्रेबो, चार्ली तीनों का 15-15 में, एक टीम केवल 3 मार्क्स पीछे है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे वापसी होगा। इस बार राउंड इस प्रकार से, समझिए बात को, क्वेश्चन पूछते ही आप लोग को ताली बजाना है, आप लोग बेंच पर पीट सकते हैं, बजर राउंड है। बजर राउंड में आप लोगों को क्वेश्चन पूछते ही दोस्तों यहाँ पे क्लैप करना है। अगर क्लैप करके पहले समझ लीजिएगा, जो पहले ताली बजाएगा या पीटेगा वही आंसर देगा। सही जवाब देने वाले को +3, पीट कर गलत बोलने वाले को -3, और गलती से बिना पीटे हुए बोल दिए तो -5 मार्क्स है, याद रखना है। बिना पीटे हुए बोलिएगा तो -5 है, मतलब लबड़ाए तो गए, इस राउंड का नाम है, याद रखना है दोस्तों। तो इस राउंड में ध्यान देना है, रेडी सेडी को आप लोग भी दर्शक। आजाद हिंद फौज का गठन जब सुभाष चंद्र बोस ने किया था तो उसके सेनापति किसको रखा गया था? राजबिहारी घोष। प्लस 10 क्लास को बहुत आंसर है, जोरदार तालियां, राजबिहारी घोष, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमको बता दीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राफेल किस देश से खरीद कर मंगाया? तीनों टीम को +3 +3 दीजिए, तीनों टीम का सही जवाब, जोरदार तालियां, फ्रांस, बहुत अच्छा लगता है। चलिए भारत ने हाल ही में रसिया से कौन सा डिफेंस सिस्टम का सौदा? चलिए तीनों टीम को +3 +3 S-400 नहीं बोला है, बोला है +3 +3, बहुत अच्छा लगा। लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का, इस राउंड के बाद से बजर राउंड खत्म हो जाएगा, सोच समझ के आंसर देना है दोस्तों, पूछे ना दोस्तों, बोलिए भारत का वह कौन सा सुल्तान था जिसे पागल बादशाह कहा जाता था?
मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए प्लस तीन दीजिए क्लास टेन को, क्लास टेन को उसको काट दीजिए। बहुत अच्छा, इस राउंड के ओवर होने के बाद से स्कोर बताइए। बहुत अच्छा, तीन राउंड ओवर, वन टू थ्री राउंड इज ओवर। इधर भी दिखा दीजिए थोड़ा बहुत फेस, हमरो चुका है जोर जोर तालियां क्लास टेन का। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इसी टीम के सीरीज में, और अगला क्वेश्चन चलते हैं। दो राउंड और बचा है, इस राउंड में आप लोगों को क्या समझना है आराम से समझिए। पहले बात को देखिए, आपको एक क्लू दिया जाएगा किसी आदमी किसी जगह के बारे में, उस क्लू को पहचानना है, इसके लिए इनके लिए बताया जाता है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा, मैं एक ऐसा जन्म स्थली हूँ जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, मैं बहुत ही प्राचीन इतिहास में प्रसिद्ध हूँ, मैं कौन सा जगह हूँ। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। चलिए यही क्वेश्चन ब्रेवो के लिए, अमृतसर। चलिए आप लोग बोलिए पटना। बहुत सिंपल पटना, ये आप लोग पाटलिपुत्र पटना का नाम नहीं जानते हैं, सिंपल सा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। बताइए, मैं एक ऐसी महिला हूँ जो अंतरिक्ष में जाने का रिकॉर्ड बनाई और भारत की हूँ, मैं कौन। कल्पना चावला, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने की। चलिए सही है, प्लस तीन। सुनीता विलियम्स भी होता थोड़ा सा क्वेश्चन में उलझेगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके लिए बताइए, आप ये बताइए, आप लोग का क्वेश्चन है कि मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ, मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ जिसने भारत को दो दो वर्ल्ड कप जितवाया, मैं कौन हूँ। दो दो वर्ल्ड कप जितवाया, कपिल देव। आप बताइए, एमएस धोनी। इनका प्लस तीन, केवल कपिल देव एक वर्ल्ड कप जीत। इशारा करते हुए मैंने कहा कि वो मेरी माँ की बहन है, मेरी कौन है। मौसी। आप लोग मत बोलिए, बहुत सिंपल था, तीन नंबर दीजिए। इधर एक फोटो के तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा कि मैं उसका पापा हूँ लेकिन वो मेरा बेटा नहीं, वो कौन है। भतीजा। गलत, मेरी बेटी होगी। भतीजा तो चाचा कहेगा, इनको काटिए। भतीजा मेरे को पापा कहेगा, बेटी होगी। एक फोटो के तरफ इशारा करते मैंने कहा मैं उसका पापा हूँ लेकिन मेरा बेटा नहीं, मतलब बेटी है, सिंपल सा आंसर है, रॉन्ग आंसर। जोरदार तालियां। हर साल आप ही लोग का जीत हो यह संभव नहीं है। नेक्स्ट इन लोगों के लिए, एक एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा कि वो मेरे नाना का एकलौता दामाद है, कौन है। राइट आंसर पापा। चलिए राउंड इज ओवर, क्विज लंबा नहीं खींचेंगे। जीके अच्छा है, आज इन लोगों का लक खराब था, इसलिए सबसे पहले हम बात विवाद करना चाहेंगे यहाँ पर रनर ऑफ टीम के कप्तान, आपके कौन है कैप्टन। आइए श्रेयस कुमार जी, मोस्ट वेलकम टू कैप्टन द रनर ऑफ टीम, मोस्ट वेलकम। कैसा आप लोगों का आज परफॉर्मेंस, उतना अच्छा नहीं रहा, कैसा लग रहा आपको क्विज खेल करके। थोड़ा सा खराब फील हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से अच्छा करिएगा। यस सर। तो चंदन सर के पास कितना साल से पढ़ रहे हैं। सर 2 साल। 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो चलिए अच्छा परफॉर्मेंस करिए, बेस्ट ऑफ लक, जो प्लीज क्लैप योर हैंड। चलिए मीना टीम कैप्टन आइए, विनर टीम कैप्टन प्रियांशु कुमार को वेलकम करते हैं। आप लोगों ने तो आज धमाल मचा दिया, बहुत अच्छा लगा, जवाब एकदम लब्जों पर रखे थे, ऐसा परफॉर्मेंस की आपको अपने प्लेयर से उम्मीद थी। यस सर, पूरा उम्मीद था। आपका कौन सा प्लेयर है जो एकदम लग रहा था कि आज मैन ऑफ द सीरीज का, मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतेगा। सर सभी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली जयशंकर जी। यस सर। और ये लग भी, चलिए बहुत अच्छा लगा। ये हमारे अपने छात्र से सम्मानित करवाते हैं, हमारे लिए कोई चीफ गेस्ट का जरूरत नहीं, नेता का कोई काम नहीं। जोरदार तालियों से स्वागत। चलिए नेक्स्ट सागर बाबू वेलकम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग टीम ने दिखाया, आप लोग भी सब लोग सही है, कोई दिक्कत नहीं ना है, सब अच्छा है, फिर होगा, कोई बड़ा चीज नहीं होता। ये लीजिए, सम्मानित कीजिए अपने दोस्त को, दोस्त को दोस्त ने सम्मान किया, दोस्त दोस्त ही रहा। जोरदार तालियों से स्वागत। आइए संदीप जी, और अपने दोस्त मंजीत को सम्मानित करिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का प्यार और स्नेह मंजीत दिया जाइए। बहुत ही शानदार क्विज गया, हार जीत का तो खेली है। चलिए उत्सव जी आइए, जयशंकर जी को सम्मानित करिए। रिशु जी ले लिए सम्मान, आइए आइए, जयशंकर को सम्मानित करिए, आइए इधर आइए आइए दोस्त, आंसू आइए, रिशु को सम्मानित करिए, आइए कोई